गुड मॉर्निंग बच्चों, आपने साउंड वर्ड तो पढ़ लिया है ना, ए आई ओ यू ई, क्लियर है। अब इनके कुछ अलग से सेंटेंस है, आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे आई डबल एल इल, पी एल पल, आई जी एच ओ यू ओ ई। अब इससे भी हम कुछ वर्ड्स बनेंगे, जैसे आई डबल एल इल, बी आई डबल एल बिल, एफ आई डबल एल फिल, एच आई डबल एल हिल, एस टी आई डबल एल स्टिल, जी आर आई डबल एल ग्रीड। आई डबल एल इल से ये कुछ नए वर्ड्स बनेंगे। अब पी एल से, पी एल यू एम प्लम, पी एल यू एस प्लस, पी एल ए वाई प्ले, पी एल ओ टी प्लॉट, पी एल ओ डी प्लॉट, पी एल ए एन प्लान। ये पी एल से हमारे ये साउंड वर्ड्स बने हैं। अब आई जी एच से न्यू वर्ड्स बनेंगे, एल आई जी एच टी लाइट, एन आई जी एच टी नाइट, F I G H T fight, M I G S T might, R I G S T right, S I G S T sight। अब O U से words बनेंगे, H O U S E house, M O U S E mouse, B L O U S E blouse, M O U T H mouth, S O U T H sound, C O U N T count। O A से words, C O A S T cost, T O A S T toast, B O A S T post, R O A S T roads, B O A T bought, C O A T caught। अब इसमें से कुछ मिसिंग लेटर है, ये आपको करने हैं। एक बार और रिपीट करेंगे, चलिए आप मेरे साथ बोलना, आई डबल एल इल, बी आई डबल एल बिल, एफ आई डबल एल फिल, एच आई डबल एल हिल, एस टी आई डबल एल स्टिल, जी आर आई डबल एल ग्रीन। समझ आया। सेकेंड लाइन पी एल से वर्ड्स की, पी एल यू एम प्लम, पी एल यू एस प्लस, पी एल ए वाई प्ले, पी एल ओ टी प्लॉट, पी एल ओ डी प्लॉट, पी एल ए एन प्लान। आई जी एस से ये वर्ड्स बनेंगे, एल आई जी एस टी लाइट, एन आई जी एस टी नाइट, एफ आई जी एस टी फाइट, M I G S T might, R I G S T right, S I G S T sight। O U ये वर्ड्स बन गए, H O U S E house, M O U S E mouse, B L O U S E blouse, M O U T H mouth, S O U T H south, C O U N T count। O A से C O A S T cost, T O A S T toast, B O A S T boast, R O A S T roast, B O A T bought, C O A T caught। आया समझ में? एक बार और रिपीट करती हूँ, ठीक। चलिए अब तो अभी तो मैंने आपको स्पेलिंग बताई थी आई डबल एल इल, अब आपको ऐसे बोलना है, इल बिल फिल हिल स्टिल ग्रीन। रिपीट, इल बिल फिल हिल स्टिल ग्रीन। सेकेंड लाइन, प्लम प्लस प्ले प्लॉट प्लॉट प्लान। रिपीट, प्लम प्लस प्ले प्लॉट प्लॉट प्लान। थर्ड लाइन, लाइट नाइट फाइट माइट राइट साइट। Light, night, fight,
माइट राइट साइट. और यू से हाउस माउस ब्लाउज माउथ साउथ काउंट. हाउस माउस ब्लाउज माउथ साउथ काउंट. और ऐसे कॉस्ट टॉस्ट बॉस्ट रॉस्ट बॉट कॉट. कॉस्ट टॉस्ट बॉस्ट रॉस्ट बॉट कॉट. क्लियर है? आगे समझ में? आई डबल एल पी एल आई जी एस ओ यू ओ एस ए, ये हमारे नए साउंड वर्ड्स कुछ वर्ड्स बने हैं. ठीक है, ये ओ ए ओ यू आई डबल एल पी एल से और आई जी एस से वर्ड्स. एस ओ यू टी एच साउंड टी ओ ए एस टी स्टोस जी आर ए डी ग्रेट बी ओ एस टी पोस्ट. ये आपको अपनी कॉपी में करना है. थैंक यू. गुड मॉर्निंग बच्चों. आज हिंदी की बुक में आप पढ़ेंगे उ की मात्रा. पहले आपने अ की मात्रा पढ़ी, फिर छोटी की, बड़ी की. आज हम पढ़ेंगे छोटे उ की मात्रा. आ की मात्रा में एक लाइन और एक डंडा. छोटी की मात्रा आपके राइट लेफ्ट हाथ से इस तरफ जाती है, बाएं हाथ से आके इस वाले कान पे जाएगी, वो आपकी कहलाएगी छोटी की मात्रा. बड़ी की मात्रा आपके दाएं हाथ से जिससे आप खाना खाते हो, राइट हैंड से आपके बाएं कान की तरफ. इतना याद रखना, बस मात्रा आपको पहचाननी है कि छोटी की मात्रा कहाँ लगती है और बड़ी की मात्रा कैसे लगती है. आज हम पढ़ेंगे छोटे उ की मात्रा. छोटों की मात्रा जैसे क उ कु, स उ सु, र उ रु, प उ पु. जिसके व्यंजन के ऊपर ये मात्रा नीचे लगेगी उस पे वैसे ही आवाज निकल रही है. जैसे ग उ गु, ढ उ धु, न उ नु. पहले न स्वर और उसके ऊपर नीचे उ की मात्रा, तो नु, ढ उ धु, प उ पु. क्लियर है? जैसे हमारा ये है गै उ ल आ ब गुलाब. ये हो गया ना गै उ, छोटो की मात्रा लगी गुलाब. स आ ध उ सा धु, स आ ध उ सा धु. ध न उ श धनुष, ध न उ श धनुष. ब ग उ ल आ बगुला. द ग उ ल आ बगुला. स उ र आ है इ सुराही. स उ र आ है इ सुराही. क छ उ ए आ कछुआ. क छ उ आ कछुआ. देखना ये हमारी छोटे उ की मात्रा लगी है ना इनके नीचे, ये हमारी छोटे उ की मात्रा. अब आप मेरे साथ बोलोगे प उ ल पुल, ख उ ल फुल, क उ ल पुल, ड उ ल डुल और ध उ ल टुल. क्लियर है? ब उ न बुन, स उ न सुन, ध उ न धुन, च उ न चुन और ध उ न खुन. ग उ ल आ ब गुलाब, ज उ र आ ब जुराब, ब उ ख आ र बुखार, प उ क आ र पुकार. ह उ ट न आ घुटना, र उ क न आ रुकना, झ उ क न आ झुकना, स उ न आ सुनना. नीचे नेक्स्ट लाइन च उ ट ई य आ चुटिया, क उ ट ई य आ कुटिया, प उ र ई य आ पुड़िया, ग उ र ई य आ गुड़िया. नेक्स्ट लाइन प उ ज आ र ई पुजारी, स उ प आ र ई सुपारी, द उ ल आ र ई दुलारी, ख उ म आ र ई कुमारी,
मैं गुम सुम जै ऊ ने मैं ऊ ने चुन मुन बे ऊ ले बुल बुल कै ऊ मैं कै ऊ मैं कुम कुम। देखो ये थे हमारे दो वाले है ना, ये हमारे थे थ्री वाले, तीन वाले, और ये थे चार वाले। देखो चार आने ना इसमें गै ऊ मैं से ऊ मैं, पहले दो बोले था गुम तुम, फिर कै ऊ ने चुन मैं उन मुन, फिर सबको मिला के क्या बनेगा चुन मुन, फिर दोनों को बोलेंगे, फिर दोनों को बोलेंगे बे उले बुल, क्या बन गया बुल बुल। अब इन दोनों को बोलना है, फिर इन दोनों को बोलना है, कै उ मैं कुम कै उ मैं कुम, तो क्या बन जाएगा हमारा कुम कुम। नीचे बोलेंगे कै उ मैं कुम कुम से उन सुन दे आ दे उ ने दा तू कर कर ते आ बे ऊ ने साबुन ले आ ला बे ऊ ले बुल बुल के आ का गे आ ने आ गाना से ऊ ने सुन जे आ मैं ऊ ने जामुन खा गे ऊ रे ई ये आ गुड़िया आ ई गुड़िया आई से ऊ पे आ रे ई सुपारी ले आई लाई मैं ऊखे मुख ऊठे आ उठा बे ऊ रे आ बुरा के आ मैं काम मैं ते मत कह कर गे ऊ मैं से ऊ मैं गुमसुम मैं ते मत रह रहे। अभी तो मैंने आपको अलग अलग पढ़ाया था, अब एक बार और रिपीट कर दें ठीक है। बोलो आप मेरे साथ पे उल्ले पुल खे उल्ले पुल के उल्ले पुल डे उल्ले डुल और धे उल्ले धुल के उन्ने चुन बे उन्ने बुन से उन्ने सुन धे उन्ने धुन चे उन्ने चुन धे उन्ने धुन गे ऊ ले आ बे गुलाब जे ऊ रे आ बे जुराब बे ऊ खे आ रे बुखार पे ऊ के आ रे पुकार घे ऊ टे न आ घुटना रे ऊ के न आ रुकना झे ऊ के न आ झुकना से ऊ ने न आ सुनना चे ऊ टे ई ये आ चुटिया के ऊ टे ई ये आ कुटिया पे ऊ रे ई ये आ पुड़िया घे ऊ रे ई ये आ गुड़िया पे ऊ जे आ रे ई पुजारी से ऊ पे आ रे ई सुपारी दे ऊ ले आ रे ई दुलारी खे ऊ मैं आ रे ई कुमारी गे ऊ मैं से ऊ मैं गुमसुम चे ऊ ने मैं ऊ ने चुनमुन बे ऊ ले बुलबुल के ऊ मैं कुमकुम। अभी तो मैंने आपको इसे कैसे पढ़ाया ना अलग अलग करके, पहले व्यंजन बोले फिर मात्रा पे ऊ ले पुल खे ऊ ले पुल, अब आप ऐसे मेरे साथ बोलना जैसे मैं बोलूँगी। बोलो पुल खुल पुल डुल डुल। नेक्स्ट लाइन बुन सुन धुन चुन धुन। थर्ड लाइन गुलाब जुराब बुखार पुकार। फोर्थ लाइन घुटना रुकना झुकना सुनना। फिफ्थ लाइन चुटिया कुटिया कुड़िया गुड़िया। सिक्स्थ लाइन पुजारी सुपारी दुलारी कुमारी। सेवंथ लाइन गुमसुम चुनमुन बुलबुल कुमकुम। अब ये कुछ हमारे ये वाक्य बन गए हैं, अब इनको पढ़ना है। कुमकुम सुन कुमकुम सुन दातुन कर साबुन ला बुलबुल का गाना सुन बुलबुल का गाना सुन जामुन खा गुड़िया आई सुपारी लाई मुख उठा बुरा काम मत कर बुरा काम मत
गुमसुम मत रह, गुमसुम मत रह। ये हमारी थी छोटियों की मात्रा। जैसे मैंने पढ़ा है, आपको भी ऐसे ही अपनी बुक में से देखकर उनकी मात्रा को ऐसे ही ध्यान से पढ़ना है। क्लियर है? थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कन्वर्सेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स हम एक दूसरे से जब बात करते हैं या एक दूसरे से कुछ पूछते हैं, उसको कहते हैं कन्वर्सेशन। क्लियर है? जैसे आज हम पूछेंगे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। अच्छा, आप ये बताइए, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फूल, सबको पता है? नहीं पता होगा, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, राष्ट्रीय फूल कौन सा है, राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। ठीक है, स्टार्ट। विच इज Which is our national animal? रिपीट करेंगे, कर रही हूँ। W H I C H, which? I S is O U R, our. N A T I O N A L, national. A N I M A L, animal. Which is our national animal? हमारा राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? टाइगर, T-I-G-E-R, टाइगर, T-I-G-E-R, टाइगर। टाइगर मीन्स चीता, हमारा राष्ट्रीय एनिमल चीता। क्वेश्चन नंबर टू, डब्ल्यू एच आई एच विच, आई एस इज ओ यू आर अवर, एन ए टी आई ओ एन ए एन, नेशनल, बी आई डी बर्ड। विच इज अवर नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आप बोलोगे P-E-A-C-O-C-K, पीकॉक। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पीकॉक। विच इज अवर नेशनल बर्ड, आप क्या बोलोगे? पीकॉक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, W H I C H, विच, I S इज O U R, अवर, N A T I O N A L, नेशनल, G A M E, गेम, यानी हमारा राष्ट्रीय गेम कौन सा है जो हम खेलते हैं? कौन सा है? आप बोलोगे हॉकी। हमारा राष्ट्रीय गेम कौन सा है? आप बोलोगे H O C K E Y, हॉकी। क्या बोलोगे? H O C K E Y, हॉकी। हमारा राष्ट्रीय गेम कौन सा है? हॉकी। क्वेश्चन नंबर फोर, W H I C H, which, I S is O U R, our, N A T I O N A L, national, F L O W E R, flower। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आप बोलोगे L O T U S, lotus, L O T U S, lotus। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। क्वेश्चन नंबर फाइव, डब्ल्यू एच आई सी एच, विच, आई एस इज ओ यू आर, अवर, एन ए टी आई ओ एन ए एन, नेशनल, टी आर ई ट्री। हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आप बोलोगे बैनियन ट्री, बी ए एन वाई ए एन, बैनियन, टी आर डबल ई ट्री। हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बैनियन ट्री। कौन सा पेड़ है? बैनियन ट्री। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डब्ल्यू एच ए टी, वॉट, आई एस इज टी एच ई द, एस एच ए पी ई, शेप, ओ एफ ओ ए एन एन ई डबल जी एन, शेप की, एग की शेप कैसी होती है? आपने अंडा तो देखा होगा ना, एग मीन्स अंडा, अंडा देखा है, अंडे की शेप कैसी होती है? ना वो गोल होती है, ना वो स्क्वायर होती है, ना वो ट्रायंगल होती है, कैसी होती है? गोल, ओवल में, ना गोल होगी ना ऐसी की, थोड़ी सी ऐसी होगी, ओवल। तो
तो आप बोलोगे ओवल, ओ वी ए एल, ओवल। वॉट इज द शेप ऑफ एन एग, एग की शेप कैसी होती है? ओवल। क्वेश्चन नंबर सेवन, इन आई एन, इन डब्ल्यू एच आई सी एच विच, एस ई ए एस ओ एल सीजन, डब्ल्यू ई वी, डब्ल्यू ई ए आर वियर, डब्ल्यू ए आर एम वार्म, सी एल ओ टी एच ई एस क्लोज, यानी कि हम गर्म कपड़े कब पहनते हैं? बताइए कब पहनते हैं गर्म कपड़े? जब गर्मी होती तब पहनते हैं? नहीं पहनते। जब बरसात होती तब पहनते हैं गर्म कपड़े? नहीं। कब पहनते हैं? जब सर्दी होती है, सर्दी में पहनते हैं ना आप लोग सब गर्म कपड़े, जैसे स्वेटर हुआ, कोट हुआ, जैकेट हुई, ये सब आप कब पहनते हो? सर्दियों में। यानी कि हम गर्म कपड़े कब पहनते हैं? सर्दियों में। तो आप क्या बोलोगे? विंटर। हम गर्म कपड़े कब पहनते हैं? गर्म कपड़े कब पहनते हैं? विंटर। बोलेंगे डब्ल्यू आई एन टी ई आर, विंटर, डब्ल्यू आई एन टी ई आर, विंटर। हम गर्म कपड़े कब पहनते हैं? विंटर में। फिर है आई एन इन, डब्ल्यू एच आई सी एच विच, एफ ई एस टी आई वी ए एल फेस्टिवल, डब्ल्यू ई वी, पी एल ए वाई प्ले, डब्ल्यू आई टी एच विच, सी ओ एल ओ यू आर कलर। यानी कि हम जब कलर्स से कुछ खेलते हैं तो वो कौन सा फेस्टिवल होता है बता सकते हैं कोई? कलर एक दूसरे के लगाते हैं ना, वो कौन सा फेस्टिवल होता है? होली। एक दूसरे को कलर लगाते हैं ना, कलरफुल बन जाते हैं ना सब, तो कब बनाते हैं वो? होली में। एच ओ एल आई, होली। क्या बोलोगे? एच ओ एल आई, होली। चलिए एक बार और रिपीट करेंगे। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। क्या करेंगे आप? आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आंसर करेंगे। विच इज आवर नेशनल एनिमल, विच इज आवर नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? टी आई जी ई आर, टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर, हमारा राष्ट्रीय जानवर चीता। क्वेश्चन नंबर टू, विच इज आवर नेशनल बर्ड, विच इज आवर नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आप बोलोगे पीकॉक, पी ई ए सी ओ सी के, पीकॉक, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पीकॉक, पीकॉक मीन्स मोर, पी ई ए सी ओ सी के, पीकॉक। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इज आवर नेशनल गेम, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज आवर नेशनल गेम, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप बोलोगे हॉकी, एच ओ सी के ई वाई, हॉकी, हमारा राष्ट्रीय गेम कौन सा है? हॉकी। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज आवर नेशनल फ्लावर, विच इज आवर नेशनल फ्लावर, यानी कि हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आप बोलोगे लोटस। क्या बोलोगे आप? लोटस, एल ओ टी यू एस, लोटस, हमारा राष्ट्रीय फूल लोटस है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच इज आवर नेशनल ट्री, विच इज आवर नेशनल ट्री, हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बैनियन ट्री। विच इज आवर नेशनल ट्री, हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आप बोलोगे बैनियन ट्री, बी ए एन वाई ए एन, बैनियन, टी आर डबल ई ट्री, बैनियन ट्री। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वॉट इज द शेप ऑफ एन एग, यानी कि एग की शेप कैसी होती है? आप बोलोगे ओवल। वॉट इज द शेप ऑफ एन एग, आप क्या बोलोगे? ओ वी ए एल, ओवल। क्वेश्चन नंबर सेवन, इन विच सीजन वी वियर वार्म क्लोथ, आप कौन से सीजन में गर्म कपड़े पहनते हो, यानी कि मौसम में, कौन से मौसम में गर्म कपड़े पहनते हो? तो आप बोलोगे विंटर, डब्ल्यू आई एन टी ई आर, विंटर, कौन से मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं? सर्दी। क्या बोलोगे? विंटर, डब्ल्यू आई एन टी ई आर, विंटर।
क्वेश्चन नंबर एट, इन विच फेस्टिवल वी प्ले विद कलर, यानी कि हम कौन से त्यौहार यानी कि फेस्टिवल में रंगों का प्रयोग करते हैं या रंगों से खेलते हैं। तो आप क्या बोलोगे, होली, HOLI, होली। आया समझ में? एक बार और रिपीट करती हूँ, विच इज आवर नेशनल एनिमल, आप बोलोगे टाइगर, विच इज आवर नेशनल एनिमल, टाइगर। क्वेश्चन नंबर टू, विच इज आवर नेशनल बर्ड, विच इज आवर नेशनल बर्ड, आप बोलोगे पिकॉक। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इज आवर नेशनल गेम, विच इज आवर नेशनल गेम, आप बोलोगे हॉकी, HOCKEY, हॉकी। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज आवर नेशनल फ्लावर, विच इज आवर नेशनल फ्लावर, आप क्या बोलोगे, लोटस, LOTUS, लोटस। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच इज आवर नेशनल ट्री, विच इज आवर नेशनल ट्री, आप बोलोगे बैनियन ट्री, BANYAN, बैनियन, TREE, ट्री, बैनियन ट्री। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वॉट इज द शेप ऑफ एन एग, वॉट इज द शेप ऑफ एन एग, आप क्या बोलोगे, ओवल, OVAL, ओवल। क्वेश्चन नंबर सेवन, इन विच सीजन वी वियर वार्म क्लोथ, इन विच सीजन वी वियर वार्म क्लोथ, आप बोलोगे विंटर, WINTER, विंटर, यानी कि सर्दी। क्वेश्चन नंबर एट, इन विच फेस्टिवल वी प्ले विद कलर, इन विच फेस्टिवल वी प्ले विद कलर, आप बोलोगे होली, HOLI, होली। ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है, जो आपने जीके की कॉपी बनाई होगी ना, ये कॉपी है ना आपके पास इंग्लिश की, आधी जीके की कर लेना, आधी कन्वर्सेशन की कर लेना। एक तरफ आपको जीके का काम करना है, एक तरफ आपको कन्वर्सेशन का काम करना है। तो यहाँ पे सारा काम कन्वर्सेशन की कॉपी में करोगे और लाइन में लिखना है, बड़े जो हमारे लेटर है ये आएंगे हमारे थ्री लाइन में, और जो हमारे ये छोटे हैं ये हमारे ये टू लाइन में। बस आप एक बात का ध्यान रखना, जी बनेगा नीचे की तीन लाइन में, एच बनेगा तीन लाइन में, और क्यू बनेगा हमारे नीचे की तीन लाइन में, वाई भी नीचे की तीन लाइन में, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है सबको, आ गया समझ में? आपको इस वर्क को लर्न भी करना है विद स्पेलिंग, ठीक है? ओके।